मतलब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा सपोज लोअर मोस्ट पॉइंट से ऊपर जाता है ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ तो लोअर से ऊपर जाएगा तो इट विल मूविंग अपोजिट टू ग्रेविटी और ऊपर से नीचे आएगा तो इट विल मूव अलोंग द ग्रेविटी तो जब लोअर से ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी और ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी विल इंक्रीज तो एक तो आपको ये समझाना कि व्हाट इज द मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल मैं इसको टाइप कर देता हूँ सो वी कैन से बॉडी इन ए वर्टिकल सर्किल इज डिफरेंट वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी भाई नीचे से ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी कम होगी मैग्नीट्यूड में ऊपर से नीचे आएगी तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में बढ़ेगी रीजन इज दैट एक बार ग्रेविटी अपोज कर रही है एक बार ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है सो द बॉडीज मोशन इन वर्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म बॉडी विल कैलकुलेट द सेकंड पार्ट फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द द मिनिमम वेलोसिटी पॉइंट एंड द टॉप मोस्ट पॉइंट सपोज आई से द बॉडी इज मूव द वर्टिकल सर्कुलर मोशन लाइक दिस दिस इज द लोअर मोस्ट पॉइंट एट दिस पॉइंट आई से द स्पीड ऑफ द मोशन इज वी लोअर मोस्ट पॉइंट दैट इज वी एल

So net force which is acting towards the center it is given by t minus m g cos theta and this force is known as the centripetal force and velocity at this point is v so we will write it is m v square upon r so what is the value of the tension here t, t equal to mg cos theta plus m v square upon r it is a value of the tension at this point now if I ask you what is the tension at the highest point let i say this is the highest point this is the highest point to mark h point so we will write

सो यू कैन से टेंशन जैसे जैसे ऊपर जाएगी ये तो आपको पता चलेगा टेंशन कम होती जाएगी सो यू विल से दिस इज द मिनिमम टेंशन ओके एंड वेलोसिट इज बी एच नो यूल फॉर लुपिंग द लूप फॉर लुपिंग द लूप यानी वर्टिकल सर्किल कंप्लीट होने के लिए टेंशन एट हाइएस्ट पॉइंट एट हाइएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्योंकि अगर जीरो होगी तब तो क्रिटिकल कंडीशन है जीरो से टेंशन नेगेटिव में चलेगा तो रस्सी ढीली हो जाएगी रस्सी ढीली हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट विल नॉट कंप्लीट द परफेक्ट सर्कुलर लूप सो वी विल से टी मिनिमम शुड बी ग्रेटर टू जीरो इट मीनस दिस एम बी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी ग्रेटर टू जीरो और वी कैन से

और रेडियस आर लेटो तो डायमी कितना हो गया टू आर हो गया ओके सो वी विल कैलकुलेट इट एम तो आपने कॉमन लेके काट दिया सिमिलरली अगर आप इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे पूरी इक्वेशन को तो ये टू से मल्टीप्लाई कर ये हो गया, ये हो गया, टू, टू जब फोर हो गया ओके सो वी विल राइट वी एल स्क्वायर प्लस फोर जी इन टू आर नो इट इज गिवन वी एच इक्वल टू आर जी ये जैसे पुट करोगे

रस्सी ढीली हो जाएगी रस्सी ढीली हो जाएगी तो सर्कल मोशन टूट जाएगा